क्योंकि मैं धर्म मानता हूं कबीर दास का, मैं धर्म मानता हूं बाबा नानक का, मैं धर्म मानता हूं गुरु गोरखनाथ का, मैं धर्म मानता हूं रैदास का, जिन्होंने किसी भी धर्म का ऐसा कोई खास प्रचार नहीं किया, जिन्होंने मानवता की सेवा करी, जिन्होंने ईश्वर का प्रचार किया, जिन्होंने सत्य का प्रचार किया, जिन्होंने किसी को कभी बंधन में नहीं बांधा। अब दोस्तों इस बात को एक कहानी की तरह देखने की कोशिश करें। जब कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ इंसान थे, मैं एक इंसान हूं जिस प्रकार वैसे ही दूसरे भी इंसान थे, समूह में लोग रह रहे थे, तब तक किसी का कोई धर्म नहीं था। मान लीजिए अगर 100 लोग धरती पर रहते होंगे तो उन 100 लोगों में ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग किसी एक धर्म के हैं, 20 लोग किसी एक और पहनावे के हैं, 20 लोग कुछ और खाते हैं, 20 लोगों ने या जो भी ग्रुपिज्म नहीं हुआ होगा। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है, ऐसा कहीं कुछ इतिहास में नहीं मेंशन है। धर्म बनने के बाद ही बंटवारा हुआ है, धर्मों के आने के बाद ही सबसे ज्यादा बंटवारा हुआ है। आखिर क्या हुआ होगा जब कोई भी धर्म नहीं रहा होगा? तो सबसे पहले हिंदू धर्म आया, धर्म शास्त्र लिखे गए, ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया, सिद्ध जनों ने बातें बताई, उसके आधार पर सभी लोगों ने या ज्यादातर लोगों ने जो भारत में रहते थे उस समय, उन लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और हिंदू धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू किया। कालांतर में हिंदू धर्म में से ही कुछ लोगों ने थोड़ी अलग विचारधारा को स्वीकार किया, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और उन्होंने एक नए धर्म का निर्माण कर दिया, एक नई मान्यता का निर्माण कर दिया। जो लोगों ने उनकी मान्यता को माना, जिन लोगों को लगा कि नहीं जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे अलग, थोड़ा अलग कुछ और है और यह धर्म भी सही है, उन लोगों ने उस धर्म को मानना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अलग अलग धर्म बन गए और जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो लाइक माइंडेड लोग थे या जो सिर्फ मनुष्य थे, जो लोग सिर्फ इंसान थे, उनका बंटवारा अलग अलग धर्मों में हो गया। दोस्तों ये बंटवारा हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ, इसका फैसला आप स्वयं करें, पर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस बंटवारे से हुआ क्या। दोस्तों इस बंटवारे से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारे फिजिकैलिटी में चेंजेस आ गए। आज भी हर धर्म ये बात मानता है, या ज्यादातर धर्म ये बात मानते हैं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का एक अंश है, एक गाइडिंग सोल है, एक गाइडिंग एनर्जी है जो मनुष्य को बांधे रखती है, जो मनुष्य को हमेशा सहारा देने के लिए उपस्थित है। और इसीलिए चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह एक ऊपर एक सुपर कॉन्शियसनेस में एक भगवान की एक जो प्रेजेंस है उसमें विश्वास रखता है और अपनी परेशानियों को उनके सामने लेके जाता है, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किस चीज में आया? परिवर्तन आया हमारे खाने पीने के ढंग में, हमारी बोली में, हमारे पहनावे उड़ावे में, हमारे किस प्रकार हम अपने आप को दिखाते हैं, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, कोई है वो शिखा रख रहा है, कोई है वो टोपी पहन रहा है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, कोई है तो वो एक लॉन्ग अटायर अपना गाउन पहनता है, सबके अपने अपने तरीके। ये फिजिकल फॉर्म में बंटवारा किया गया है। और अगर ये बंटवारा भौतिक है तो भौतिकवाद को तो कृष्ण ने बहुत पहले ही नकली और झूठा बताया है। गीता भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जगत में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं या भौतिक स्तर पर फिजिकैलिटी में, फिजिकल फॉर्म में जो भी चीज हो रही है वह सब असत्य है, स्वप्न की भांति है, इट इज जस्ट अ ड्रीम, इट इज ऑल इन योर माइंड। बात तो तब बनेगी जब आपका धर्म आपको आत्मा के स्तर पे, आपके मन बुद्धि और शरीर से परे हटके भी आपको अगर बदल सके, आपका नव जीवन का निर्माण कर पाए, आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं, जितने बंधन हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सभी से अगर आपको सेपरेट कर दे, आपको डिटैच कर दे, तो आपका धर्म सत्य है। पर क्या इस प्रकार का बंटवारा समाज में हुआ? नहीं। और दोस्तों इसीलिए आज के धर्म भ्रष्ट भी हो रहे हैं, आज के धर्म में हिंसा भी है। और यहां मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर चाहे बलि चढ़ाई जाए या कोई जिहाद के लिए अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई क्राइम करता है, किसी का कत्ल करता है, और मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को भी कॉन्ट्रोवर्शियल मत बना देना, ऐसा मत समझ लेना कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं, पर ये सारी बातें समाज में हो रही हैं। धर्म कोई भी हो, आज भी बलि चढ़ाई जाती है, चाहे वो सांकेतिक रूप में क्यों ना हो, पर ये सब होता है। आज भी जिहाद के किस्से हम सुन रहे हैं, आतंकवाद आज भी धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो धर्म, जिस आधार पे समाज में धर्म को फैलाया जा रहा है, ये भौतिक आधार है,
ये सिर्फ फिजिकैलिटी पे काम करता है, ये आपकी बुद्धि को तरोताजा कर सकता है, आपको दिमाग में तर्क के स्वरूप में, तर्क के आधार पर आपको संतुष्ट कर सकता है। आपकी जो बुद्धि के प्रश्न हैं, इनके उत्तर तो आपको ये धर्म दे देंगे, पर आपकी आत्मा को जो रूहानी जो सुकून है, जो आपकी आत्मा की स्थिरता है, जो आपकी मनोदशा की स्थिरता है, जो अंतर शांति है, जो आपकी सच्चाई है, उसके दर्शन यह धर्म नहीं करा सकता। आज धर्म सबको इकट्ठा करने का एक तरीका बन चुका है, मानव चेतना जो अनंत है, क्योंकि हम खुद ये धर्मों में, हमें शास्त्रों ने बताया है कि हमारी चेतना ईश्वर की चेतना का अंश है, हम खुद ईश्वर का अंश है, ईश्वर का एक छोटा सा स्वरूप है। और अगर ईश्वर की चेतना अनंत है तो हमारी चेतना भी अनंत होनी चाहिए, और है, मेरा ऐसा मानना है, मैंने अनुभव किया है। पर जब आपने धर्म में किसी को एक जगह इकट्ठा कर दिया, आपने उसकी चेतना को लिमिट कर दिया, आपने उसकी सोच को पंख फैलाने ही नहीं दिए, यहां पे मानवता की जो चेतना थी उसे अब एक धार्मिक चेतना में परिवर्तित कर दिया गया है, उसको लिमिट कर दिया गया है। अगर कोई वैष्णव है तो उसके लिए रुद्राक्ष निषेध है, उसके लिए अन्य किसी भी देवी देवता को पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, पर समझने पे भी रोक लगा दी जाती है, कोई प्रोत्साहित नहीं करता, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम वैष्णव हो, भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा आप शिव को भी समझें, आप शक्ति को भी समझें, उन पे भी ध्यान करें, उनकी भी आराधना करें, क्या पता आपको उससे मिल जाए, नहीं, निषेध है। अगर कोई शाकाहारी पूजन पद्धति का है तो मांसाहारियों से उसे नफरत हो जाती है, इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि अगर सामने कोई मांसाहार कर रहा हो जिसके लिए वो उसका आहार है, जो एक्चुअल में उसके लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड चीज है, जिसका भी भोजन है, भोजन के प्रति रिस्पेक्ट रखना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके जीवन का आधार है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। पर हां, मैं शाकाहारी हूं और तुम मांसाहारी हो, तुम्हारे मेरे बीच में बंटवारा है, तुम गलत हो मैं सही हूं, यह सोच गलत है, इसमें अस्वीकारता है। और जिस भी चीज में अस्वीकारता होगी, जहां हमने एक ना मान के दो मान लिया या एक से अधिक मान लिया, जहां हमने बांट दिया, वहां द्वंद्व हो जाएगा। और दोस्तों, जहां भी द्वंद्व होगा वहां स्थिरता कभी नहीं आ सकती, क्योंकि द्वंद्व माया का विषय है। स्थिरता या एकाग्रता, एकत्व में रहना, यह ब्रह्म का विषय है। क्योंकि मैं धर्म मानता हूं कबीर दास का, मैं धर्म मानता हूं बाबा नानक का, मैं धर्म मानता हूं गुरु गोरखनाथ का, मैं धर्म मानता हूं रैदास का, जिन्होंने किसी भी धर्म का ऐसा कोई खास प्रचार नहीं किया, जिन्होंने मानवता की सेवा करी, जिन्होंने ईश्वर का प्रचार किया, जिन्होंने सत्य का प्रचार किया, जिन्होंने किसी को कभी बंधन में नहीं बांधा कि तुम ऐसा ही करोगे तब ही मिलेगा, जिन्होंने सिर्फ अपनी बात सहजता से, शांति से समाज के लोगों में रखी, जिनको वो बात स्वीकार लगी उनका भी सम्मान किया गया, उन्हें भी स्वीकार किया गया, और जिन्होंने उस बात को नहीं भी माना या जिनका कोई दूसरा मत था, अगर आप स्वप्न भरी इस दुनिया को छोड़ के, इस नींद से उठ के, जाग के सत्य के दर्शन करना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ये नकली धर्म फॉलो करना छोड़ दें। और चाहे आप कोई भी धर्म को अपनाएं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, या और भी कोई धर्म हो, सभी धर्म आपको ईश्वर से मिलाने के काबिल हैं, सभी में इतनी क्षमता है, क्योंकि क्षमता धर्म में नहीं होती है, क्षमता इन धर्म पे चले हुए, इन सिद्धांतों को बनाने वाले गुरुओं में है, उनकी शिक्षा में है, क्षमता आपके अंदर है। अगर आप सत्य का मार्ग चुनेंगे, किसी भी धर्म के स्वरूप में हो, आप वहां तक पहुंच जाएंगे जो आपका उद्देश्य है। पर अगर आपने अपने आप को इतना ज्यादा हिंदू बना दिया कि समाज में जितने भी लोग गैर हिंदू मजहब के हैं वो आपको तुच्छ लगने लगे, आप उन पे हिंसा का भाव रख सके, इतनी अगर आपको आपकी आत्मा इजाजत दे रही है, आपका दिमाग आपको इस बात में अगर शाबाशी देता है, तो मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे ये बात सही नहीं लगती। उनके साथ कहीं कोई हिंसा नहीं की गई। दोस्तों, अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के भाव को चोटिल कर रहे हैं, तो वह भी हिंसा है। भले ही आप किसी को मारे नहीं, भले ही आप किसी के साथ झगड़ा ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठ के किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को छोटा कह देना, जो धर्म ना जाने कितनी पीढ़ियों से उसके परिवार में फॉलो होता आ रहा है,
जिसने बच्चे ने आंख खोलते ही उस धर्म को सर्वोपरि माना, उसके लिए वो सब कुछ है। इसलिए मेहरबानी करके किसी को करेक्ट करने से अच्छा है अपनी बात को सहजता से पोलाइटली रखना उचित है। आपको जो कुछ भी लगता है, आपको पूरी स्वतंत्रता है उस बात को आप रखें, लेकिन बिना किसी को चोटिल करें, बिना किसी भी प्रकार की हिंसा करें। और अगर आप स्वयं में इतने अस्थिर हैं कि अगर आप किसी दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हैं और आपको इतना क्रोध आता है कि आपके मन में हिंसक विचार उत्पन्न होते हैं, आप ना जाने क्या आप शब्द कह रहे हैं, तो प्लीज अपने गुरु के पास जाएं, अपने धर्म की किताबों के पन्ने फिर से पलटें, जरा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या आप स्थिर हैं। जो धर्म आपको बंधन मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था, कहीं आप उसी के बंधन में तो नहीं फंस गए हैं। और ये बात अगर आपके दिल पे लगी हो, ये बात आपके जहन में उतरी हो, समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सब में अपने ईश्वर को देखता है। जो स्वयं के अंदर तत्व है, वही तत्व सभी के अंदर है। समूचा संसार, चराचर जीव या जो कुछ भी हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, जब सबके अंदर एक ही तत्व है, तो फिर कैसा बंटवारा, कैसा मतभेद और कैसी अस्वीकृति। हम सभी एक तो हैं, ऐसा क्या आपके शास्त्र में नहीं बताया गया? कौन सा ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि आपका धर्म ही सर्वोपरि है या आपकी मान्यता ही सर्वोपरि है? अगर ऐसा कहा गया है तो प्लीज एक बार वेरीफाई कर ले, कहीं जिस व्यक्ति ने बात लिखी है या जिस व्यक्ति ने उस धर्म शास्त्र का ट्रांसलेशन किया है, सही तो किया है? एक बार चेक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आध्यात्मिक लोगों ने प्रकृति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है। जो वन में जाके तपस्या करते थे, जो गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे, जो नदी किनारे लोगों से बातचीत करते थे, वनों में भटकते थे, जानवरों के साथ अपना जीवन जीते थे, आपको नहीं लगता कि क्या उनको इस धर्म का ज्ञान था? एक आध्यात्मिक व्यक्ति का वही धर्म है जो कीट पतंगे का धर्म है, जो नदियों का सागर का धर्म है, जो सूर्य चंद्र पृथ्वी और अनेक ग्रहों का धर्म है, जो मनुष्य का धर्म है, जो पत्थर का धर्म है, जो पुष्प का धर्म है। संसार के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सभी का एक ही धर्म है कि ईश्वर की द्वारा रचित इस प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव हो, इसके प्रति एक समर्पण का भाव। अहंकार को खराब इसीलिए बताया गया है ताकि मनुष्य अपने आप को ज्यादा बड़ा ना माने, क्योंकि संसार में कुछ भी छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। इसलिए ना आप अपने आप को किसी गिल्ट ट्रिप में ले जाएं कि ओहो हो मैं तो कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, या मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, या जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं इस पे ज्यादा लोग नहीं चलते हैं, व्हाटसोएवर। ना ही तुम छोटे हो, ना ही तुम बड़े हो, बस आप हैं। और इस होने में अगर आपको शांति मिलती है तो आप सही मार्ग पे हैं। अगर आप अपने होने के अहंकार को पोषित करना चाहते हैं, अगर आप खुद को, अपने धर्म को, अपने गुरु को, किसी को भी समाज में बड़ा, सच्चा, सही साबित करना चाहते हैं, तो अभी आपको अनुभव नहीं हुआ। जैसे अनुभव हो जाता है, वो जस्टिफाई नहीं करता, वो दुनिया को बताता नहीं फिरता, और अगर बताते भी फिरेगा तो उसकी बात बहुत सहज होगी। मंसूर ने अपने जीवन का त्याग कर दिया पर अनहलक बोलना नहीं छोड़ा, पर क्या उसने अनहलक के अलावा और भी कुछ बोला? गौर करिएगा। जब मां सती को भगवान श्री राम के ब्रह्म तत्व होने पे डाउट हुआ, तुलसीदास की रामायण में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने शिव जी से प्रश्न कर दिया कि जो राम को आप ध्याते हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, क्या ये वही राम है दशरथ नंदन जो अपनी स्त्री के वियोग में उसे ढूंढ रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा स्थिरता का आलम दिख रहा है, इनकी अवस्था तो बहुत ज्यादा स्थिर है और ब्रह्म तो पूर्ण है, स्थिर है, फिर ये कैसे ब्रह्म तत्व हो सकते हैं? जाके किताबों पे पन्ने आप पलट लेना, और अगर आपको शिव का कोई जस्टिफिकेशन मिले तो प्लीज मुझ तक पहुंचाएं। जो मैंने बात पढ़ी है वो तुलसीदास ने एक चौपाई के माध्यम से बहुत ही सहजता से हम तक पहुंचाई है।
कि होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क का विषय ही नहीं है, तर्क हमारे खुद के लिए है। अगर आपको जीवन में तर्क खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी तर्क कुतर्क होते हैं और तर्क करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन आपका तर्क आपको समझाने के लिए होना चाहिए, ना कि संसार को। जब आप अपने तर्कों को दूसरों पर थोपने लगते हैं तो वह कुतर्क हो जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है, आपकी विचारधारा को समझना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आपसे कुछ जानना चाहता है, उस बात को समझाने के लिए, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आप तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खुद को समझाने के लिए, खुद विचार करने के लिए, मनन करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कोई तर्क का सहारा ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस तर्क में कोई भी खराबी है या वो तर्क कुतर्क है। बस तर्क के साथ एक ही बंधन होता है कि तर्क आपको खींच लेता है, आपको मजबूर कर देता है कि जब आपका तर्क आपके दिमाग में आ गया तो जब तक उसको पोषित ना किया जाए, जब तक उस पे आपको संतुष्टि ना मिल जाए, तब तक आप उस तर्क को छोड़ते नहीं है। अगर आप इस बाधा से भी परे हट गए तो जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं है और तर्क भी आपको नहीं बांध सकता। जीवन में जब आपके मस्तिष्क में, बुद्धि में कोई तर्क आए, आपको लगे कि नहीं ये बात तो शायद सही नहीं है, तो बहुत प्रयास करें कि आपके उस तर्क को पोषित करने वाला उत्तर मिल जाए। लेकिन अगर उत्तर ना मिला हो तो ये ना मान लें कि जो तर्क था आपका वो बहुत बड़ा था और जिस मान्यता पे वो तर्क था, या जिस धर्म पे, या जिस भी बात पे वो तर्क था, जिसके खिलाफ वो तर्क आपके मस्तिष्क में आया, वो बात छोटी है, वो धर्म छोटा है। क्योंकि हो सकता है भी आपने उतना एक्सप्लोर ना किया हो जितना ज्ञान इस संसार में है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ईश्वर सब जगह समान मात्रा में बिल्कुल एक जैसे हर जगह, हर व्यक्ति, हर कण के अंदर है। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो फिर आप किसी भी धर्म के हो या ना हो, आपका कोई विधि हो, कोई बंधन, कोई तरीका हो चाहे ना हो, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को अगर शिव में अपने प्रभु की मूरत दिखती है तो उसे उस मूरत को देखने दे, किसी को अल्लाह में अपने प्रभु की मूरत दिखती है उसे उसको देखने दे, किसी को निराकार में, निरंकार में, ओंकार में, किसी को गॉड में, जीसस क्राइस्ट में, या किसी को अपने गुरु में दिखती है, किसी को अपने माता पिता में दिखती है, किसी को गौ मां में दिखती है, किसी को पर्वत में दिखती है, पेड़ों में दिखती है, जिस भी भाव में, जिस भी व्यक्ति को खुशी मिले, अपने सत्य का दर्शन हो, जीवन में स्थिरता आए, जीवन में सहजता आए, ये जिस भी भाव में ईश्वर के दर्शन हो, उसको उसका पूरा अधिकार है और वह सही और गलत के मायनों से हटकर है। इसीलिए समाज में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ईश्वर का दर्शन करना चाहता है तो उसे करने दे, कोई बंधन, कोई रोक टोक ना लगाए। अगर व्यक्ति का आधार सच्चा है तो उसका मार्ग अपने आप सच्चा हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपने विचार मुझ तक कमेंट्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं, जो भी आपके प्रश्न हैं उन्हें मुझ तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारे जो पेजेस हैं उनको फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपनी ही तरह आपको लगता हो कि जिन लोगों को इन वीडियो से शायद कुछ मदद मिल सके, उन तक जरूर पहुंचाएं।